शेंजेन, चाइना के साउथ ईस्ट कोस्ट में बसा एक शहर जो 1985 में ऐसा दिखता था और आज ऐसा दिखता है। तब चाइना और इंडिया की जीडीपी लगभग बराबर ही थी, बट आज चाइना की जीडीपी 19.3 ट्रिलियन डॉलर्स है और इंडिया की 3.73 ट्रिलियन, यानी आज इंडिया की जीडीपी चाइना के जीडीपी का 20% भी नहीं है। चाइना के मेटियोरिक राइज में शेंजेन जैसे सिटीज का बहुत बड़ा रोल है। चाइना एक कम्युनिस्ट रेजिम है जहां प्राइवेट कंपनीज के लिए ग्रो करना इजी नहीं होता है, बट फिर भी सोनी, सैमसंग और फिलिप्स जैसी ग्लोबल कंपनीज ने शेंजेन को अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाया। बस इतना ही नहीं, वन प्लस, टेंसेंट, हुआई जैसे लोकल कंपनीज भी शेंजेन से ग्रो करके आज ग्लोबल जायंट्स बन गए हैं। कुछ इसी तरह का एग्जाम्पल सिंगापुर भी है। इंडिया में तो कोई कम्युनिस्ट रेजिम भी नहीं थी, फिर भी इंडिया में कोई शेंजेन या सिंगापुर जैसी सिटी क्यों नहीं बन पाई? शेंजेन एक SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ऐसा ही एक SEZ गुजरात के गांधीनगर में बन रहा है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी या गिफ्ट सिटी के नाम से। कैपिटलाइजिंग ऑन दिस, गुजरात गवर्नमेंट इज डेवलपिंग गिफ्ट, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, अ ग्लोबल फाइनेंशियल हब। बट क्या डिफरेंस होता है एक SEZ में और एक नॉर्मल सिटी में, और क्या गिफ्ट सिटी इंडिया का शेंजेन बन पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे व्यूअर्स के लिए एक सवाल, गिफ्ट सिटी के अलावा इंडिया का कोई दूसरा SEZ आप जानते हैं? रिप्लाईज हमें कमेंट सेक्शन में दें। द शेंजेन मॉडल, 1980s में चाइना ने अपनी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करने का डिसीजन लिया। चाइना में तब सारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज गवर्नमेंट प्लान और रेगुलेट करती थी। इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन के लिए फ्री मार्केट का होना जरूरी था, और ऐसे में चाइना ने ट्रायल के तौर पे शेंजेन को पहला SEZ डिक्लेयर किया। SEZ का मतलब था लेस टैक्सेस, लेस रेड टेपिज्म एंड लेस गवर्नमेंट रेगुलेशंस। इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए चाइना ने लैंड रिफॉर्म्स किए और शेंजेन को बिल्कुल फॉरेन लैंड की तरह प्रोजेक्ट किया। इसका मतलब ये था कि शेंजेन में मैन्युफैक्चर किया हुआ कोई प्रोडक्ट अगर चाइना में सेल करना हो तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी। इन रिफॉर्म्स की वजह से शेंजेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने में कामयाब हुई। शुरुआत हुई 1992 में मोटोरोला से, और फिर सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल जैसी कई ग्लोबल जायंट्स ने एक के बाद एक शेंजेन को अपना बेस बनाया। यही शेंजेन मॉडल चाइना के दूसरे सिटीज में भी रेप्लिकेट किया गया, और आज चाइना कहाँ है ये हम सबको पता है। पर आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि इंडिया ने शेंजेन टाइप कोई SEZ क्यों नहीं बनाई, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया में अभी तक टोटल 349 SEZ नोटिफाइड हैं और चाइना में केवल 7। तो आखिर क्या रीजंस थे कि इंडिया का कोई भी SEZ शेंजेन जितना सक्सेसफुल नहीं हो पाया? Why not India? इंडिया में SEZ सक्सेसफुल ना होने के मल्टीपल रीजंस हैं। इंडिया के SEZ में उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया जिस तरह का चाइनीज SEZ में हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है, और ये इंडियन SEZ के फेलियर का सबसे बड़ा रीजन बना। इंडिया में SEZ के लिए लैंड एक्विजिशन एक बड़ा चैलेंज रहा, साथ ही साथ प्रोजेक्ट के अगेंस्ट लिटिगेशन और प्रोटेस्ट भी बहुत होते थे। चाइना में ऑटोक्रेटिक सेटअप होने की वजह से उन्हें ये इश्यूज फेस नहीं करने पड़े। इंडियन SEZ को कभी वैसी ऑटोनॉमी नहीं मिल पाई जैसी शेंजेन को मिली, इसीलिए इंडियन SEZ उस तरह का इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट नहीं कर पाया जैसे कि चाइना में हुआ। चाइनीज SEZ के सक्सेस का एक बड़ा रीजन ये भी था कि जब चाइना ने SEZ बनाए तब उसके लिए कोई कॉम्पिटिशन नहीं था। चाइना में SEZ का प्रोजेक्ट 1980s में शुरू हुआ जब ग्लोबल कंपनीज चीप मैन्युफैक्चरिंग के ऑप्शंस देख रही थी, और ये ऑप्शन तब बस चाइना प्रोवाइड कर रहा था। इंडिया का प्रोजेक्ट 2000s में शुरू हुआ, और तब तक वियतनाम, थाईलैंड और बांग्लादेश जैसे कई इमर्जिंग इकोनॉमीज रेस में आ गई थी। बट देर से ही सही, इंडिया के SEZ में फाइनली इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गया, और इनमें से सबसे प्रोमिनेंट SEZ है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी या गिफ्ट सिटी। बट क्या है गिफ्ट सिटी, और क्या ये शेंजेन के सक्सेस को रेप्लिकेट कर पाएगा? गिफ्ट सिटी, अ रे ऑफ होप। गिफ्ट सिटी गुजरात के गांधीनगर में बना एक SEZ है जिसे गुजरात गवर्नमेंट ने 2007 में एस्टैब्लिश किया।
यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है और गवर्नमेंट इसे लंदन, न्यूयॉर्क, हांगकांग जैसा एक वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल सेंटर बनाना चाहती है। बट गिफ्ट सिटी की सबसे खास बात है यहाँ का रिलैक्स टैक्स रिजीम एंड रेगुलेशंस, जो उसे इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगी। गिफ्ट सिटी के एसईजेड में पहले 5 साल तक 50% तक कॉर्पोरेट टैक्स एग्जेम्पशन है। यहाँ से अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस एक्सपोर्ट करी जाती है तो GST 0% है। स्टैम्प ड्यूटी और कस्टम ड्यूटीज भी काफी रिलैक्स हैं। गिफ्ट सिटी की अपनी एक यूनिफाइड रेगुलेटरी बॉडी है, जिसकी वजह से कंपनीज को इंडिया के मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडी से डील नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे फॉरेक्स लॉज लिबरल है, जिसकी वजह से यहाँ ऑपरेट करने वाली कंपनीज फॉरेन करेंसी में इजीली ट्रांजैक्ट कर सकती हैं। इतने इंसेंटिव देने का रिजल्ट भी दिखने लगा है और JP Morgan, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और HSBC जैसे बैंक्स ने अपने ऑफिसेज गिफ्ट सिटी में खोले हैं। गूगल भी अपना ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन सेंटर गिफ्ट सिटी में खोल रही है, जिसके बारे में बोला जा रहा है कि इट्स अ टेस्टामेंट टू इंडियाज फिनटेक लैंडस्केप। आज गिफ्ट सिटी में 100 से भी ज्यादा कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं। गिफ्ट सिटी में कई एक्सचेंजेस भी ऑपरेट करती हैं, जैसे MCX, IEX, NCDEX एक्सेट्रा। सिंगापुर में ट्रेड होने वाले SGX निफ्टी अब गिफ्ट निफ्टी के नाम से गिफ्ट सिटी में ट्रेड होता है। बट गिफ्ट सिटी का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर और IFSC, जो बना है फाइनेंशियल सेक्टर के इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्व करने के लिए। IFSC की हाईलाइट ये भी है कि इसके थ्रू इंडियन इन्वेस्टर्स US स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले इंडियंस बस दो ही तरीके से US स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते थे, पहला किसी US रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास एक अकाउंट खोलकर और दूसरा US स्टॉक्स के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके। बट अब हम बस किसी IFSC रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट खोलकर डायरेक्टली US स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। IFSC के थ्रू इन्वेस्टमेंट की एक खास बात ये भी है कि हम स्टॉक्स की पार्शियल बाइंग भी कर सकते हैं, हमें पूरा स्टॉक खरीदने की जरूरत नहीं है। इस तरह की पार्शियल बाइंग इंडियन स्टॉक्स में पॉसिबल नहीं है। अभी के लिए बस 8 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट अलाउड है और वो है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अल्फाबेट, टेस्ला, नेटफ्लिक्स, वॉलमार्ट एंड अमेजॉन। बट उम्मीद है कि इस लिस्ट में और भी स्टॉक्स ऐड होंगे। गिफ्ट सिटी की शुरुआत तो अच्छी हुई है और अगर पॉलिसी सही से एग्जीक्यूट हो तो गिफ्ट सिटी में पोटेंशियल है कि वो सिंगापुर और हांगकांग के जैसा एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब बन सके। इससे लाखों हाई स्किल जॉब्स क्रिएट होंगी और इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि असली भारत गांव में बसता है, बट इंडिया को अगर आगे बढ़ना हो तो लोगों को गांव से निकलना होगा और स्किल अक्वायर करके ऐसे ही सिटीज में काम करना होगा। ये बात आपको भले ही अजीब लगे बट डेटा यही बताती है। दुनिया की हर डेवलप्ड कंट्री एटलीस्ट 80% अर्बनाइज है, जबकि इंडिया में अर्बनाइजेशन बस 35% है। गिफ्ट सिटी का सक्सेसफुल होना इंडिया के लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि फिर यही सक्सेस मॉडल इंडिया के और शहरों में रेप्लिकेट किया जा सकता है। इस तरह के सिटीज फिर आगे चलकर इंडिया के ग्रोथ इंजन बनेंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए आस्था ट्रेड को सब्सक्राइब करें एंड लेवल अप योर ट्रेडिंग पावर विद आस्था ट्रेड। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।